मेरे चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है एक नए रेसिपी के साथ। और आज हम बनाएंगे लहसुन का अचार। तो चलिए बनाते हैं लहसुन का अचार। इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम लहसुन, जिसको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है, पीला सरसों 1 टेबल स्पून, मेथी 1 टेबल स्पून, नमक अपने स्वाद के अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर स्मॉल टेबल स्पून 1, अजवाइन स्मॉल टेबल स्पून 1/2, सौंफ स्मॉल टेबल स्पून 1/2, मंगरेला 1/2 स्मॉल टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून स्मॉल, और मस्टर्ड ऑयल 3 टेबल स्पून, हिंग 1 चुटकी। अब हम मसालों को भुनने के लिए गैस को ऑन कर लेंगे, पैन को गरम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम में सरसों को डाल देंगे, अजवाइन और मेथी, इसे मीडियम फ्लेम में हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। ये फ्राई हो गया है, अब इसे हम मिक्सर के जार में निकाल लेंगे। और इसका हम ढक्कन बंद कर लेंगे। हमारा पाउडर बन के रेडी है, मोटा पाउडर बना लेंगे जो बन गया है। अब हम इसे यहाँ से निकाल के साइड में रख लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और पैन को गर्म कर लेंगे, और इसमें हम ऑयल को डाल देंगे। ऑयल को अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट हट जाए। हमारा ऑयल गरम हो गया है, इसमें धुआं आ गया है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसमें हम हल्दी पाउडर, नमक, मिर्चा पाउडर और हींग देखिए इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम दे देंगे मंगरेला, सौंफ और विनेगर, और जो हमने पाउडर बना के रखा था मसाला को उसको भी डाल देंगे अच्छी तरह से। इसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब इसमें हम लहसुन को डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह हम मिला लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब इसे हम एक जार में निकाल लेंगे और 6 से 7 दिन के लिए इसे धूप में रख देंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।